महितपुर के पास कानाखेड़ी में 1,000 रुपए के लिए दोस्त ने ही की थी युवक की हत्या। महितपुर के गांव कानाखेड़ी में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शराब के नशे में 1,000 नहीं देने पर दोस्त के सिर पर पत्थर से उसे मार दिया था। अब पुलिस मामले में कार्यवाही कर रही है। महितपुर के गाँव कानाखेड़ी में 4 दिन पहले हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। शराब के नशे में 1,000 रुपए नहीं देने पर युवक के दोस्त ने उसकी हत्या की थी। झाड़ा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिन पहले गांव कानाखेड़ी में शमशान के पास रमेश मालवीय की लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच शुरू की। पुलिस ने रमेश के दोस्त मोहन को गिरफ्तार किया है, जिसने शराब पीने के बाद 1,000 रुपए उधार नहीं देने पर रमेश की हत्या करना स्वीकार किया है। अब पुलिस मोहन को न्यायालय में मर्डर हुआ था उस में कोई आरोपी पकड़ा है सर? हाँ, कानाखेड़ी हम्मा गांव है, वहाँ पर 4 दिन पहले जो एक लाश मिली थी रमेश बलाई की, और वो संदेह पत्र का खुलासा पुलिस ने कर दिया है, और उसमें जो उसको मारने वाला हत्या करने वाला आरोपी है वो भी पकड़ लिया गया है, और उसका नाम मोहन सिंह तथा विक्रम सिंह राजपूत है और गांव कानाखेड़ी का ही रहने वाला है। सर, हत्या करने वाले एक ही व्यक्ति है कि और भी इसके साथ में? एक ही व्यक्ति है उसमें, और ये दोनों शराब पी रहे थे सुबह 9 बजे से, ये साथ में ये दोस्त हैं इन दोनों, और शराब पीने के दौरान उनका पैसों का लेन देन को लेकर के विवाद हुआ है, और उस विवाद में शराब के नशे में उसने पत्थर उठा करके और उसको मार दिया है, जो उसके सिर में लगने से सिर की हड्डी टूट गई है और अत्यधिक रक्त बहने के कारण वो आदमी मर गया रमेश बलाई, और ये मारने वाला जो आरोपी है ये घटनास्थल से आगे जाकर के भागते समय अपनी शर्ट जो है फेंका था, वो शर्ट हमने बरामद किया था मौके से, उस शर्ट के आधार पर हमने जब आईडी ट्राई किया और हमने विवेचनाएँ की तो उसमें ये आरोपी पकड़ा गया। ठीक है।